नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मनी मोटिवेशन पर। मैं देविका शर्मा आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नेटवर्क 18 के मेगा मर्जर के बारे में। आई होप आपने इसके बारे में सुना होगा। ये बहुत बड़ा मीडिया का एक मर्जर होने वाला है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का उन सब कंपनी में स्टेक है जो ये सारी मर्ज होने वाली हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम नेटवर्क 18, देन देयर इज़ TV18, देन हैथवे। नेटवर्क 18 में ऑलरेडी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का 75% शेयर है। देन उसी से क्रॉप हुई है TV18, और देन और हैथवे में भी इस कंपनी का शेयर है। तो दे आर गोइंग टू मेक इट लाइक वन कंपनी, ऑल इन वन हेड। उस तरह से इनके पास अपना डिजिटल कंटेंट भी होगा, क्योंकि नेटवर्क 18 के चैनल्स हैं। आई विल शेयर इट विद यू इन दिस वीडियो कि एग्जैक्टली नेटवर्क 18 क्या काम करता है, उसका सब्सिडरी TV18 जो है वो क्या क्या काम करता है। डेन और हैथवे का जो केबल टीवी नेटवर्क है, आपने सुना ही होगा इनके केबल है और इनका इंटरनेट जो है वो भी इससे कनेक्ट होके कैसे ये एक कंपनी बन जाएगा। मेन यहाँ पे जो कंपनी बनाने का, इस सबको एक नेटवर्क 18 पेरेंट कंपनी के अंडर इकट्ठा करने का पर्पस है, वो है टू मेक इट अ डेट फ्री कंपनी, नेट डेट फ्री। बिल्कुल इसको डेट ख़त्म करने का प्लान है। सो इस मर्जर के जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि कंपनी डेट फ्री हो जाएंगी। सारी कंपनीज़ पे कुछ कुछ डेट है, वो डेट फ्री हो जाएगी। इट विल बी इंडियाज़ लार्जेस्ट मीडिया हाउस, मीडिया कंपनी होगा ये इंडिया का सबसे बड़ा। और ये बहुत स्ट्रांग इंटीग्रेशन है, क्योंकि इसमें केबल टीवी नेटवर्क भी आ गया, इंटरनेट नेटवर्क भी आ गया और डिजिटल कंटेंट भी आ गया, जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग भी है, चैनल्स भी हैं, और ऑल्सो मनी कंट्रोल और फर्स्ट पोस्ट जैसे इंटरनेट ऐप्स और इंटरनेट चैनल्स भी हैं। और इसमें बहुत सारे पार्टनरशिप्स भी हैं जो मैं अब आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो देख लेते हैं ऑलरेडी नेटवर्क 18 और TV18 के पास क्या क्या है। एज़ यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, डिजिटल कंटेंट में इनके पास CNBC है, फर्स्ट पोस्ट है, मनी कंट्रोल है, न्यूज़ 18, वूट, क्रिकेट नेक्स्ट, ये सब है। बुक माई शो भी नेटवर्क 18 के अंडर आता है। दे हैव पब्लिकेशंस लाइक फोर्ब्स, बेटर इंटीरियर्स। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ चैनल्स, ये सब नेटवर्क 18 के अंडर आते हैं। उसके अलावा इनका पार्टनरशिप यहाँ पे वायकॉम के साथ भी है, इंडिया कास्ट के साथ भी है। नाउ हियर इट्स जस्ट अ कोलैबोरेशन, थोड़ा सा समराइज़ किया है कि लार्जेस्ट बुके ऑफ चैनल्स, मतलब 55 डोमेस्टिक चैनल्स हैं इनके, 16 इंटरनेशनल चैनल्स हैं। उसके अलावा डिजिटल प्रेजेंस मैंने आपको बताया, मनी कंट्रोल है, उसके अलावा किड्स चैनल हैं, एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं, वूट इज़ देयर, बुक माई शो इज़ देयर, फोर्ब्स के साथ इनका पार्टनरशिप है ब्रॉडकास्ट के लिए, वायकॉम के साथ इनका पार्टनरशिप है। तो नेटवर्क 18 का ये फेब्रुअरी 19th को एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आया था जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इफ़ यू गो डाउन वी विल गेट टू नो कि क्या कैसे किया है इन्होंने, मर्जर में क्या क्या हुआ है। वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर सिनॉप्सिस, मतलब समरी ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। जो ये NSE पे लिस्टेड एंटिटीज हैं, TV18 एक अलग नेटवर्क है, एक अलग NSE पे कंपनी है, डेन अलग है, हाथवे अलग है, ये तीनों मर्ज होने वाली हैं नेटवर्क 18 में। मतलब ये चारों एक ही कंपनी होंगी, इन चारों के शेयर्स अलग से अब आपको नहीं दिखाई देंगे। और इन तीनों कंपनी के शेयर होल्डर्स को सेम शेयर्स मिलेंगे नेटवर्क 18 के, उसका स्वैप रेशियो अभी हम यहाँ नीचे डिस्कस करने वाले हैं। और व्हाट ऑल वर्क दे आर गोइंग टू डू, केबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP होगा, डिजिटल बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट होगा, और ये सब होगा WOS, मतलब होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ नेटवर्क 18। ये सारे काम ये कंपनीज करने वाली हैं मिल के अब नेटवर्क 18 के साथ, बट एंड नेटवर्क 18 विल बी देयर पेरेंट कंपनी। सो वी कैन हैव अ लुक हियर, नेटवर्क 18 के अंडर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस आएगा टीवी 18 का, केबल कंपनी के अंदर डेन और हैथवे का केबल बिजनेस आएगा, जो घर पे सेट टॉप बॉक्स का केबल बिजनेस होता है, प्लस देयर स्टेक इन GTPL। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अंडर अगेन डेन और हैथवे का इंटरनेट बिजनेस आएगा, और डिजिटल कंपनी मतलब इनका जो फर्स्ट पोस्ट, मनी कंट्रोल और news18.com है, ये डिजिटल मीडिया इसके अंडर आएगा। ऑल दिस एज दे से इट्स अ फ्लैगशिप मीडिया एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज।
नाउ व्हेन वी गो डाउन वी कैन सी द स्ट्रक्चर हेयर कि अभी तक क्या स्ट्रक्चर था, और इसके बाद हम देखेंगे मर्जर के बाद क्या स्ट्रक्चर होने वाला है. तो सो हैथवे के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज के 72% शेयर्स हैं, पब्लिक 5.9, प्रमोटर्स 22.1, डेन में 78.7 इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, पब्लिक 13.4%, प्रमोटर्स 7.9%, देन नेटवर्क 18 में 75% शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज का है और पब्लिक का 25%. नेटवर्क 18 से ही टीवी 18 बना है, टीवी 18 में 39.6 पब्लिक शेयर है और उसके अलावा 51.2 यहाँ पे नेटवर्क 18 का शेयर है और रिलायंस का इसमें 9.2% शेयर है. नाउ वी कम डाउन एंड सी कि जो करंट है ये मर्जर के बाद क्या होने वाला है. सो ये स्ट्रक्चर मर्जर के बाद कुछ इस तरह से होगा, वेरी सिंपल. पब्लिक शेयर विल बी 35.7% एंड आफ्टर मर्जर यहाँ पे रिलायंस का शेयर विल बी 64.3%, जिसमें होली ओन्ड सब्सिडरी होगी एक केबल नेटवर्क, होली ओन सब्सिडरी डिजिटल कंपनी एंड होली ओन सब्सिडरी ISP विच इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि स्वैप रेशियो क्या होने वाला है मर्जर में. सो अगर आपके पास 100 शेयर डेन के हैं तो उसके बदले आपको नेटवर्क 18 के 191 शेयर्स मिलेंगे. 100 शेयर्स अगर आपके पास हैथवे के हैं तो उसके बदले आपको 78 शेयर्स मिलेंगे नेटवर्क 18 के, और अगर टीवी 18 के 100 शेयर्स हैं तो उसके बदले आपको 92 शेयर्स मिलेंगे यहाँ पे नेटवर्क 18 के. ये जो इनकी स्ट्रैटेजी है, इसका प्लान क्या है, व्हाट दे वांट आउट ऑफ इट, दे आर एमिंग एट 8000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू, मार्केट कैप 12000 करोड़ का होगा, 13% टीवी मार्केट बाय व्यूअरशिप की 13% टोटल टीवी का व्यूअरशिप इनके पास आ जाएगा. इंडिया लार्जेस्ट नेटवर्क होगा ये विद एंटरटेनमेंट ब्रॉडकास्टर, देश के नंबर वन केबल डिस्ट्रीब्यूटर बन जाएंगे ये, 27 मिलियन होम्स इनके साथ कनेक्टेड होंगे विच इज अराउंड 2 करोड़ 70 लाख. फाइनेंशियली ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज लेके चल रहे हैं, नेट डेट फ्री होना चाहते हैं. सभी कंपनीज पे डेट है, अभी हम नेक्स्ट इसके नीचे स्लाइड में डिस्कस करेंगे. तो अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर बेनिफिट, सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, कॉस्ट घटेगी, मेन एम इज टू बी नेट डेट फ्री हियर. नाउ व्हेन वी गो डाउन वी विल सी कि किसका क्या काम है, व्हाट इज देयर एक्सपर्टीज हियर, एक मतलब इट्स लाइक अ परफॉर्मा कि कौन क्या कर रहा है और डेट फ्री इस कंपनी को कैसे किया जाएगा. यू कैन सी सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क 18 का काम है एडवर्टाइजिंग एंड प्रोग्राम में, टीवी 18 इज इन टू एडवर्टाइजिंग एंड सब्सक्रिप्शन भी हैं. डेन इज मोस्टली अ केबल नेटवर्क, केबल और ब्रॉडबैंड देते हैं, हैथवे ब्रॉडबैंड और केबल देता है बट थोड़ा सा रेशियोज डिफरेंट है, और ये सब यहाँ पे टोटली एक मर्ज होने वाले हैं. किस किस रेशियो में, इट इज शेयर्ड हियर. नाउ इफ यू लुक एट दिस डेटा, तो एवरी कंपनी का यहाँ पे दिया गया है कि ग्रॉस डेट कितना है, कैश कितना है, पैट कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड उसके बाद नेट डेट कितना बचता है. एंड ऑल दिस इज एडेड हियर कि ग्रॉस डेट कितना हुआ है, कैश कितना हुआ है, एंड नेट डेट कम्स आउट टू बी 60 करोड़. सो इफ दे ऑल आर गोइंग टू मर्ज, इट इज गोइंग टू मेक देम इजीली डेट फ्री. If we go down, we can see कि reorganization के benefit shareholders के लिए क्या हैं. Content भी अपना हो जाएगा network 18 का और distribution भी Den और Hathaway के through. It will all fall under one roof. Common benefits होंगे. Now this shareholding pattern, if you look, इसमें Reliance का shareholding network 18 में 75% है, टीवी 18 में 9.2%, देन में 78.5, हैथवे 72%. नेटवर्क 18 का शेयर होल्डिंग टीवी 18 में है 51.2% और देन में 0.1%. देन का ओनली देन में है और कहीं नहीं है, एंड हैथवे का भी सिर्फ हैथवे में ही है और कहीं नहीं है. सो इससे टोटल आपको प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप का पता चलता है क्या है, और पब्लिक शेयर होल्डिंग भी हम देख सकते हैं, 25% यहाँ पब्लिक का है, यहाँ पे 39% है अपार्ट फ्रॉम प्रमोटर्स एंड रिलायंस, हियर इट इज 13.5 एंड 5.9. दिस इज बिफोर मर्जर.
नाउ वी विल सी आफ्टर मर्जर क्या होने वाला है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न. रिलायंस इंडस्ट्रीज का इट विल बी 64.3%. उसके बाद डेन के प्रमोटर्स का 1.8 इसमें ऐड करेंगे, हैथवे का 7.4 एंड अदर पब्लिक शेयर होल्डर्स, बाकी शेयर होल्डर्स का 26.5 आई एम सॉरी. जब हम ऐड करेंगे वी ऑल ऐड ऑल दिस थ्री इट कम्स आउट टू बी 35.7 प्लस प्रमोटर्स सॉरी रिलायंस का शेयर होल्डिंग जब यहाँ पे हम ऐड करेंगे इट ऑल कम्स आउट टू बी 100. सो दिस इज द पोस्ट मर्जर शेयर होल्डिंग स्कीम की किस तरह से दिस इज गोइंग टू वर्क. इसके बाद इन्होंने कुछ अप्रूवल्स दिए हैं, आई एम श्योर दे हैव अप्लाइड फॉर इट एंड गॉट अप्रूवल्स, जिसमें यहाँ पे एक डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट डेट फॉर मर्जर 1 February 2020, दे हैव मेंशनड इट हियर. सो ये जो मर्जर होने वाला था 1 February को, ये अभी तक नहीं हुआ है और इसकी नेक्स्ट डेट भी अनाउंस नहीं की गई है. आई एम श्योर बहुत सारे लोग इस मर्जर का वेट कर रहे हैं, इस अनाउंसमेंट का वेट कर रहे हैं, विच इज़ येट टू हैपन. फॉर अस, हमारे लिए निष्कर्ष कुछ इस तरह से है कि क्योंकि कंपनी डेट फ्री हो जाएगी, क्योंकि कंपनी का रीच बहुत अच्छा है, 27 million एज दे सेइंग देमसेल्व्स, तो वी होप इट इज़ गोइंग टू डू ग्रेट. रिलायंस इंडस्ट्रीज एज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन माई अदर वीडियोज़, इट्स डूइंग वेरी गुड. यू नो आलोक के साथ जब इनका कोलैबोरेशन हुआ तो आलोक इंडस्ट्रीज़ का कैसे एकदम अप गया एंड यू नो ऑल ऑफ इट. सो आई फील कि इस कंपनी का, नेटवर्क 18 का भी फ्यूचर इज ब्राइट सम हाउ. सो इट्स अ थम्स अप फ्रॉम माई साइड. यू कैन परचेज इट, यू कैन इन्वेस्ट इन इट, आप इसमें निवेश कर सकते हैं अगर आप चाहें तो. बट ये मेरी पर्सनल सलाह है, मेरे पास जो भी पॉइंट्स थे, जो भी मैं पढ़ सकती थी, जितना भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर सकती थी, मैंने पूरी कोशिश की है कि वो उसको आपको समझाने की. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ़ देर आर एनी क्वेश्चंस, कोई भी सवाल हो, कोई भी कॉमेंट हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ. Thank you. Have a nice day.